नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक मल्टी कलर का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में चाहे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे, ये बहुत सुंदर लगेगा। इस डिज़ाइन को आप बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। मैं 3 रंग के ऊन में बना सक रही हूँ। आप चाहें तो जितने भी आपके पास बचे हुए ऊन हो, सबका इस्तेमाल करते हुए आप इसे बना सकते हैं। डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और बनाने में बहुत आसान। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो यहाँ पे हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब पहले फंदे को हम दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दूसरे फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। ऊन अपनी तरफ, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, ऊन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। तो एक फंदा हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है। एक फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ करना है, यानी स्लिप करने किए हुए फंदे के ऊपर से ये धागा जाना चाहिए। अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, अगला फंदा स्लिप किया। अब हम जब ऊन दूसरी तरफ करेंगे तो ये धागा देखिए इस फंदे को ऐसे कवर कर ले रहा है, तो अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा। तो दो ही फंदे को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उनको अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा सीधा करेंगे, उनको दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस लाइन में फंदे का कोई बंधन नहीं है। आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना तीसरा कलर अटैच कर लिया। अब पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और इस फंदे को देखिए हमने सीधा बुना था, अब कि हमें इस फंदे को स्लिप करना है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा देखिए हमने स्लिप किया था, तो इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये फंदा हमने पिछली लाइन में बुना था, तो इस लाइन में हमें इस फंदे को स्लिप करना है और स्लिप करने से पहले ऊन को हमें दूसरी तरफ कर लेना है, यानी स्लिप करने किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे हमारा धागा आना चाहिए। देखिए स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से हमारा सामने की तरफ से देखिए स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से धागा जाना चाहिए। अगला फंदा देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इस लाइन में हम इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, इस फंदे को हमने बुना था तो इसे हम स्लिप करेंगे और धागा देखिए इस फंदे के ऊपर से ऐसे आना चाहिए। अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। दो ही फंदे को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदे को उल्टा बुनना है और एक फंदे को स्लिप करना है। तो जिस फंदे को हमने पिछली लाइन में उल्टा बुना था उस फंदे को हमें स्लिप करना है
और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे हमें उल्टा बुनना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें दूसरी तरफ कर लेना है। तो इन्हीं दोनों फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में एक फंदा बचा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने तीसरे कलर से, यानी हमारा जो जिससे हमने बॉर्डर बनाया था उससे हमें अब बुनना है। तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हमने पिछली लाइन में सीधा बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है। स्लिप किया उन दूसरी ओर, अगला फंदा देखिए, इसे स्लिप किया था तो इसे हमें सीधा बुनना है। अब देखिए, इस फंदे को हमने पिछली लाइन में उल्टा बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब उन दूसरी तरफ स्लिप करने से पहले हमेशा उनको हमें आगे की तरफ से ले जाना है। अगला फंदा ये देखिए, इसे हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे, तो इसे हम सीधा बुन देंगे। अब अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ करना है और इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और फिर उनको दूसरी तरफ। अब नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप सीधा बुनना है, उनको अपनी तरफ, अगला फंदा स्लिप करना है, अब उन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा, उन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, उन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। अब देखिए, उनको अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए इसी कलर का ये हमारा ये फंदा दिख रहा है, तो ये इससे ऐसे कवर हो जा रहा है। देखिए अगला फंदा सीधा, उन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा, उन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा। जिस फंदे को हमने पिछली लाइन में बुना था उसे हमें स्लिप करना है और जिस फंदे को स्लिप किया था उसे हमें बुनना है। सामने की तरफ से हम सीधा बुन रहे हैं और रॉन्ग साइड से उल्टा। स्लिप करने से पहले हमेशा उनको दूसरी तरफ कर लेना है। और लास्ट में एक फंदा, देखिए सीधा बुनने के बाद एक फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और इस साइड में देखिए दो हमारे पास दो धागे हैं, तो ऊपर वाले धागे से अभी हमने बुनाई की है तो हमें इस धागे को छोड़ देना है और नीचे वाले धागे को उठाना है। और अब पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे क्यों, और नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, तो स्लिप करने से पहले उनको हर हाल में दूसरी तरफ कर लेना है। अब इसे हम स्लिप किया करेंगे और फिर उन अपनी ओर, देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, इस फंदे को हमने देखिए पिछली लाइन में सीधा बुना था, इस लाइन में हमें इसे स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले उनको हमें दूसरी तरफ कर लेना है। अब उनको अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हमने देखिए स्लिप किया था तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी तरफ इस फंदे को हमें स्लिप करना है। अब स्लिप करने के बाद फिर उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है। उन दूसरी तरफ इस फंदे को हमें स्लिप करना है, तो स्लिप किया फिर उनको अपनी तरफ किया क्योंकि नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है। एक फंदे को रॉन्ग साइड से, एक फंदे को उल्टा बुनना है और एक फंदे को स्लिप करना है।
दो ही फंदे को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, एक फंदे को उल्टा बुनना है और एक फंदे को स्लिप करना है। तो पिछली लाइन में जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे हमें उल्टा बुनना है और जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था उसे हमें स्लिप करना है। उल्टा बनने के बाद लास्ट में एक फंदा बचा है तो इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए इस साइड में दो धागे हैं, दो कलर का ऊन है, तो अभी ऊपर वाले से हमने अभी बुनाई की है, यानी इस ऊन को हमें छोड़ देना है और नीचे वाले को उठाना है। अब अगला लाइन हमारा इसी कलर के ऊन से बुना जाएगा। तो पहला फंदा हम सीधा बुन देंगे और देखिए इस फंदे को हमने रॉन्ग साइड से इस फंदे को हमने उल्टा बुना था तो अब की इसे हमें स्लिप करना है। तो स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेंगे। अब स्लिप किया उनको दूसरी तरफ, इस फंदे को देखिए हमने स्लिप किया था तो इसे हमें सीधा बुनना है। एक फंदे को सीधा बुनना है सामने की तरफ से हमें, एक फंदे को सीधा बुनना है, एक फंदे को स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो दो ही फंदे को हमें दोहराना है, दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और दो ही फंदे का डिज़ाइन है। डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत ही आसान। हमें ऊन बदलते जाना है और इन्हीं दोनों फंदों को और हमें दोहराना है। एक रंग के ऊन से सिर्फ एक लाइन ही बुना जाएगा, अगला लाइन दूसरे रंग के ऊन से बुना जाएगा। देखिए इससे हमने लाइन कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इस रंग के ऊन से नहीं बुनाई करेंगे बल्कि दूसरा वाला जो कलर हमारा है उससे हमें बुनाई करना है। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं एक ही रंग के ऊन से दो लाइन बनाते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हमें एक रंग के ऊन से सिर्फ एक लाइन ही बनाना है, अगला लाइन हमें दूसरे कलर के ऊन से बनाना है। दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और दो ही फंदे का डिज़ाइन है। डिज़ाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत। इसमें आप अपने सारे बचे हुए उनको लगाते हुए डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए डिज़ाइन स्पष्ट होना शुरू हो गया है। यदि आप इस डिज़ाइन को मोटे कलर के ऊन मोटे ऊन से और मोटी सिलाई से बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत दिखाई देगा। फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। दो लाइन का और दो ही फंदे का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।